सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, सो डू नॉट डिस्कस, अपना अपना करते जाओ। जो भी कॉस्ट एलोकेशन आप लोगे उसके बेसिस पे आंसर्स कैन डिफर, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। इनिशियल सॉल्यूशन आ गया सबका, यही है मेरे ख्याल से। देयर वाज नो स्कोप ऑफ कंफ्यूजन।
कहीं पर भी एक जैसे फिगर्स थे नहीं कॉस्ट डिफरेंस के। देखो इसमें कोई मिस्टेक हो या कुछ भी चेंज हो। हो रहा है मैच? यस और नो कुछ तो बोलो। नहीं हो रहा है? कुछ डिफरेंस है? सेकेंड आई डिड दिस अलोकेशन फर्स्ट। पहला वाला सबका करेक्ट है? पहला वाला सेम है? हो सकता है इसमें मेरी कोई मिस्टेक हो। सेम है? वो सिक्स रहेगा। कौन सा? फिफ्थ का सेकंड जो फोर लिखा है ना आपने लास्ट में। लास्ट में ये सिक्स माइनस टेन इज फोर ना। अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स तो करेक्ट है? दीज फिगर्स आर द सेम अंदर के। कॉस्ट डिफरेंस 0 2 5। फर्स्ट वाला कॉस्ट डिफरेंस 0 2 5 0 0 1 3 0। ये भी सही है। तो पहला अलोकेशन विल बी इन द थर्ड रो S3 में अलोकेट करेंगे। S3 में आप अलोकेट कर दोगे ये वाला। सो दिस इज डन। 40 अलोकेट किया। दिस विल एंड अप योर कॉलम D1। D1 खत्म हो गया। नाउ फाइंड द सेकेंड कॉस्ट डिफरेंस। सेकेंड कॉस्ट डिफरेंस है किसी के मैच हो रहे हैं? हो रहे 2 1 1 0 0 1 3 डैश। ये आया समझ में पूजा? सो फ्रॉम दिस 3 विल बी द हाईएस्ट। इसको सिलेक्ट करेंगे हम। सो सेकेंड सॉरी F4 वाली जो रो है फोर्थ रो उसमें हम अलोकेट करेंगे तो मिनिमम इज 0। 0 पे यू विल अलॉट 80 यूनिट्स। जो रो का है 80 यूनिट्स। ये आ रहा है? ओके इसके बाद फर्स्ट रो भी खत्म। फर्स्ट रो भी कैंसिल ऑफ हो गई। नाउ द थर्ड वाला कॉस्ट डिफरेंस। फर्स्ट रो का कुछ भी नहीं होगा। सेकेंड एंड थर्ड रो विल बी 1 1। कॉलम वाइज 5 2 0 2 S। यहां तक आ रहा है? इसमें कोई डाउट? थर्ड वाले कॉस्ट डिफरेंस तक कोई डाउट? सो फ्रॉम हियर द हाईएस्ट 5 वी विल सिलेक्ट। तो फर्स्ट वाली रो में हमें अलॉटमेंट करना है। फर्स्ट वाले कॉलम में ये रो तो खत्म हो चुकी है तो ये वाला 2 तो है ही नहीं। इसमें कोई अलॉटमेंट ही नहीं हो सकता। सो सेकेंड वाला जो 2 है उसमें वी विल अलॉट 10 यूनिट्स। जो F1 में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फर्स्ट कॉलम में अलॉट कर देंगे इन द सेकेंड रो। ये आया। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसके बाद हमारा फर्स्ट कॉलम भी खत्म हो गया। नाउ फोर्थ स्टेज ऑफ कॉस्ट डिफरेंस। फर्स्ट रो में कोई डिफरेंस नहीं है। डैश देन 3 1 एंड डैश 2 0 2 डैश। ये आ रहा है फोर्थ स्टेज ऑफ कॉस्ट डिफरेंस। इसमें से द हाईएस्ट इज 3 सिलेक्ट करेंगे तो सेकेंड रो में हमें अलॉटमेंट करना है। सेकेंड रो में वी डू नॉट हैव फर्स्ट कॉलम, वी डू नॉट हैव लास्ट कॉलम। सेकेंड थर्ड और फोर्थ कॉलम ही है हमारे पास। सेकेंड थर्ड फोर्थ में मिनिमम इज 3। 3 में अलॉटमेंट हो जाएगा ऑफ 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स अलॉट करते ही फोर्थ वाला कॉलम भी हमारा खत्म हो गया। यहां तक हो गया। इसके बाद फिफ्थ स्टेज ऑफ कॉस्ट डिफरेंस। अब हमारे पास सिर्फ ये 2 ही कॉलम है F2 और F3। F4 F5 है ही नहीं। सेकेंड और थर्ड कॉलम ही है उनका ही डिफरेंस आ जाएगा। फर्स्ट रो में कुछ नहीं देन 4 एंड 6 एंड कॉलम वाइज डैश 2 0 डैश डैश। ओके उसमें से हाईएस्ट इज 6। 6 का लोएस्ट एलिमेंट देखेंगे इन दोनों में से लोएस्ट इज 6। इसमें अलॉट कर देंगे 50। ये अलॉट करने के बाद हमारे पास सिर्फ ये 2 ही बचे एलिमेंट्स। इन दोनों में जो भी रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज है डायरेक्टली अलॉट हो जाएंगी। एनी डाउट्स? IBFS तक हो गया सबका? कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी। नाउ वी विल गो फॉर द ऑप्टिमैलिटी टेस्ट।
जो IBFS हमने फाइंड किया है, अब उस IBFS का हम ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करेंगे. ऑप्टिमैलिटी टेस्ट में वी मेक 3 टेबल्स, टेबल आई, टेबल जे, टेबल डेल्टा आई जे. ओके, टेबल आई में हमें सारे एलिमेंट्स की जरूरत है. नाउ वी डू नॉट रिक्वायर द डिमांड एंड सप्लाई वाले फिगर्स, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है. सिर्फ कॉस्ट के एलिमेंट्स हम डालेंगे, प्लस एडिशनल रो फॉर वी वैल्यूज, एडिशनल कॉलम फॉर यू वैल्यूज. एज इट इज पूरा टेबल हम कॉपी कर लेंगे, जो भी हमारे कॉस्ट के एलिमेंट्स हैं, प्लस जो अलोकेशन हमने किया है. स्टार्ट करें. स्टार्ट करें. फ्रॉम दीज नाउ वी विल सिलेक्ट द रो और कॉलम विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अलोकेशंस, जिसमें भी मैक्सिमम अलोकेशन हो. सो इट कैन बी सेकेंड और इट कैन बी थर्ड रो, दोनों में से कोई भी हो सकती है. थर्ड रो ले, सो यू इज इक्वल टू जीरो, इसको हमने माना है बेस. कंसिडरिंग इट टू बी द बेस, अब हमें बाकी सबकी यू और वी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है बेस्ड ऑन अलोकेटेड सेल्स. अलोकेटेड सेल्स के बेसिस पे हमें यू प्लस वी वैल्यूज फाइंड करनी है. कॉस्ट ऑफ अलोकेटेड, सॉरी, इसके पहले हमें डीजेनरेसी चेक करनी थी, वो हर बार ही रह जाता है. आई हैव अ टेंडेंसी ऑफ फॉरगेटिंग दैट. हाउ मेनी अलॉटमेंट्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. सो नंबर ऑफ अलोकेशंस आर 7 एंड एम प्लस एन प्लस एन प्लस एम माइनस 1. 1, 2, 3, 4, 5 रोज वी हैव प्लस 3 कॉलम्स. So, sorry, 3 rows and 5 columns. So, 5 plus 3 minus 1 will again be 7. So, the solution is non-degenerate. Aap ek line likhoge. After doing this solution, you will just write this and then you will write, thus the solution is non-degenerate. We can do the optimality test. Optimality test में this will be the table I. हमने बेस लिया है थर्ड वाले कॉलम को. हमें यू और वी वैल्यूज इस तरह से फाइंड करनी है कि हमारे दिस जो भी अलोकेटेड सेल्स है उनका कॉस्ट विल बी इक्वल टू यू प्लस वी. सो वेन दिस इज जीरो, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 12. 0 प्लस दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 12, सो ये हो जाएगा 12. सिमिलरली ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0. नो, दिस इज अनलोकेटेड. देन टेकिंग 12 एंड दिस प्लस दिस शुड बी 10, तो ये हो जाएगा माइनस 2. वी आर वर्किंग ओनली फॉर अलोकेटेड सेल, अनलोकेटेड के ऊपर हम अभी वर्किंग नहीं कर रहे हैं. देन ये और ये दोनों आ जाएंगे, इससे दिस वी वैल्यू विल बी फाइंड आउट. माइनस 2 प्लस दिस शुड गिव अस 2, सो प्लस 4. और क्या बचा है? माइनस 2 प्लस दिस शुड गिव अस 3,
फाइव, फाइव माइनस फाइव विल गिव अस जीरो. बोलना फिर से, फाइव. This is table I and then second is table J. अब हमें allocated cells की जरूरत नहीं है in table J and table delta IJ. वी डू नॉट नीड द अलोकेटेड सेल. तो हम क्या करेंगे, अलोकेटेड सेल्स को कैंसिल ऑफ कर देंगे. जहाँ जहाँ भी अलोकेशन है हम उनको कैंसिल आउट कर देते हैं. वी विल बी वर्किंग ओनली विद द अनअलोकेटेड सेल. सेवन हो गए कैंसिलेशन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन अलोकेशन थे, पूरे सात अलोकेटेड सेल्स हमने कैंसिल कर दिए. Now we are finding out cost of unallocated cells, या element of unallocated cells. This will be equal to U plus V. U और V values हमने लिखी है. अब इन U और V को add करके we will find these individual elements. U value is minus 5 plus 4, so minus 1. माइनस फाइव प्लस ट्वेल्व सेवन, माइनस फाइव प्लस सिक्स वन. क्या हुआ बोलो ना, कोई डाउट है तो. लूपिंग, माइनस फाइव प्लस जीरो माइनस फाइव, माइनस टू प्लस सिक्स फोर, माइनस टू प्लस जीरो माइनस टू, जीरो प्लस फोर एंड जीरो प्लस फाइव. दिस इज द टेबल जे वैल्यू. सारी वैल्यूज आ गई टेबल जे की. थर्ड इज टेबल डेल्टा आई जे, विच इज टेबल आई माइनस टेबल जे, डिफरेंस बिटवीन आई एंड जे. अब हमें यू और वी वैल्यूज की भी जरूरत नहीं है, सो वील मेक अ रिड्यूस टेबल. सिंपली जो अनअलोकेटेड सेल्स हैं, अनअलोकेटेड, उनका डिफरेंस हमें निकालना है. तो अगेन कैंसिल ऑफ द अलोकेटेड वंस. टेबल आई में द वैल्यू वॉज टू, यहां पर द वैल्यू इज माइनस वन, टू माइनस माइनस वन, सो दिस विल बी थ्री. टेन माइनस सेवन, अगेन थ्री. फाइव माइनस वन, फोर. जीरो माइनस माइनस फाइव, प्लस फाइव. सिक्स माइनस फोर, टू. जीरो माइनस माइनस टू, प्लस टू. सेवन माइनस फोर, थ्री. एंड फाइव माइनस फाइव, जीरो. ये क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? नाउ वी हैव टू गिव द कंक्लूजन. क्या होगा इसका कंक्लूजन? ऑप्टिमल बट नॉट यूनिक. क्योंकि एक जीरो है, सो वी कैन से देयर एग्जिस्ट एन ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन. सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, आपका लूपिंग आ क्यों रहा है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ टेबल डेल्टा आई जे आर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, दस द आई बी एफ एस इज ऑप्टिमल बट नॉट यूनिक.
जब तक बोला नहीं है आपको अल्टरनेट फाइंड करने के लिए, अल्टरनेट फाइंड नहीं करना है. अगर बोला गया हो कि आप अल्टरनेटिव आंसर भी दो, इन दैट केस आप लूप बनाओगे फ्रॉम दिस पॉइंट. जीरो से स्टार्ट, ये ओरिजिन हो गया आपका लीस्ट एलिमेंट, इससे स्टार्ट करके यू विल प्रिपेयर अ लूप इन सच अ वे दैट इट फॉल्स ओनली इन द अलोकेटेड सेल्स. ऐसा रेक्टेंगल बनाओगे कि वो सिर्फ अलोकेटेड सेल्स पे ही फॉल हो. उसके बाद क्या करोगे, ये वाली जो वैल्यू है दिस विल बी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. ये अभी करना नहीं है आपको, सिर्फ समझा रही हूँ. फ्रॉम दिस नाउ वी विल सी बोथ द नेगेटिव वैल्यूज. दोनों नेगेटिव वैल्यूज में कॉस्ट कितना है, तो इन दोनों जगह पर कॉस्ट है 3, सॉरी अलोकेशन कितना है 20 एंड 60. जिसका लीस्ट अलोकेशन होगा दैट इज दिस 20, उस 20 को हम ऐड और लेस कर देंगे. जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर ऐड हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ से लेस हो जाएगा. दिस इज हाउ वी फाइंड ऑल्टरनेट सोल्यूशन. या फिर अगर माइनस में ही आ रहा है, नॉन ऑप्टिमल है, तो उसको कैसे ऑप्टिमल में हम कन्वर्ट करते हैं. ABFS जिसको बोलते हैं, ऑल्टरनेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन. सो ओवर हियर वी कैन से दैट द IBFS इज ऑप्टिमल बट नॉट यूनिक. देन एज देर इज 1-0 इन द सोल्यूशन इन द ऑप्टिमैलिटी इन टेबल IJ, डेल्टा IJ, वी कैन से देर एग्जिस्ट वन मोर ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन. क्या कर रहे हो, मैं हूं ना यार यहाँ पे बताने के लिए. आपको ही सब कुछ बताना है तो इधर आ जाओ. सो अवर IBFS इज द करेक्ट सोल्यूशन बट दिस डज नॉट एंड द आंसर. आपको प्रॉफिट निकालने को भी बोला था ना, सॉल्व करना है, फाइंड दैट ऑप्टिमल अलोकेशन प्लस गिव दैट मैक्सिमम प्रॉफिट अमाउंट ऑल्सो. दोनों चीजें आपसे पूछी थी, तो हमें प्रॉफिट का वैल्यू भी फाइंड करना पड़ेगा. सो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, हमने पहला अलोकेशन किया है S1 F4 पे एक अलोकेशन है. वी हैव अलोकेटेड फ्रॉम S1 F4 80 यूनिट्स हमने अलोकेट किए. एक यूनिट पे कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो आपने जो पहला टेबल बनाया था प्रॉफिट मैट्रिक्स का, द फर्स्ट वन ओवर हियर, ये प्रॉफिट मैट्रिक्स वाला जो टेबल है इससे आपको प्रॉफिट पर यूनिट मिलेगा. सो दिस इज द प्रॉफिट पर यूनिट. S1 F4 का प्रॉफिट पर यूनिट इज 8. क्वांटिटीज IBFS वाले टेबल से मिलेंगी और प्रॉफिट इस फर्स्ट टेबल से मिलेगा, प्रॉफिट मैट्रिक्स से. सो S1 F4 में वी हैव 80 यूनिट्स विथ 8 रुपीज पर यूनिट प्रॉफिट विच इज 640. सेकेंड में वी हैव S2 F1 10 यूनिट्स हमने अलॉट किए हैं S2 F1 में. And the profit per unit from the profit matrix table is 6 per unit. So this is 60. Third allocation is S2 F2. 90 units. Over here we were incurring loss of -2. Hum har ek unit pe loss kar rahe the -2 ka. So the profit will be -180. Next allocation is S2 F4, 20 units. S2 F4 पे there was a profit of 5 rupees, 100. Next, S2 वाला हो गया ना सारा. S3 F2, 60 units. Loss हो रहा है -4 per unit, so -240. S3 F3. 50 units. Profit is 2 rupees per unit. 100. S3 D1. 40 rupees. यहाँ पर कोई profit नहीं हो रहा है. Surplus capacity पर बोला है कोई profit नहीं होगा.
डमी में वैसे भी जीरो है हमारे एलिमेंट्स, सो इट विल बी जीरो. दिस विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट 480 इज द मैक्सिमम प्रॉफिट. क्लियर है? एनी डाउट्स लिख लो एंड देन रीड द नेक्स्ट. नो, नेक्स्ट वन इज योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 5th इज योर होमवर्क. कम टू क्वेश्चन 6th. ये हो गया? इसमें कोई डाउट?